हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो शेयर्स के बारे में जिनमें आपको कॉन्टिन्यूसली अपर सर्किट का सिलसिला देखने को मिल रहा है और कहानी अभी थमने वाली बिल्कुल भी नहीं लग रही है। आपको भी इस मौके का फायदा जरूर उठाना चाहिए। जो शेयर्स हैं वो हैं ऊर्जा ग्लोबल और सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। सुजलॉन एनर्जी के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक ऐसा चार्ट पैटर्न निकल के आ रहा है जिसको देख के आपके होश बिल्कुल उड़ने वाले हैं और यहाँ से आपको अगर कंपनी अच्छी लगेगी तो आप डेफिनेटली इसमें निवेश करना चाहोगे ही। वहीं ऊर्जा ग्लोबल भी एक बड़ी अपडेट इनके बिजनेस से निकल के आ रही है। मंडे को हो सकता है फिर से आपको अपर सर्किट का सिलसिला ही देखने को मिले। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। सुजलॉन एनर्जी में अगर आप देखोगे फ्राइडे का सिनेरियो तो 5% का अपर सर्किट लगते हुए फिर से आपको एक बारी देखने को मिल गया है और ₹10.20 की आपको यहां पे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। फ्राइडे के सिनेरियो को 5% के आसपास का अपर सर्किट इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको लगते हुए देखने को मिल गया है। डेफिनेटली इसके जो रिटर्न्स हैं बहुत ज़्यादा शानदार नज़र आ रहे हैं और यहाँ से चांसेस निकल के आते हैं कि आने वाले टाइम में भी कॉन्टिन्यूसली आपको अपर सर्किट देखने को मिले और शेयर के जो टारगेट है फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम वो निकल के आ रहे हैं करीबन 16.5 यानी कि ₹16.50 के आसपास एक महीने के अंदर अंदर की बात करी जाए तो डेफिनेटली यहाँ से जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। एक एक करके मैं आपको यहाँ पर अब अपडेट्स पर ले चलता हूँ। एक बार अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम पर नज़र डालें तो डेफिनेटली डेटा बहुत ज़्यादा शानदार नज़र आता है। करीबन 13 करोड़ के आसपास की आपको इसमें वॉल्यूम देखने को मिली है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर दूं कि केवल वॉल्यूम आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, इसमें करीबन 60% के आसपास की डिलीवरी परसेंटेज भी देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं क्योंकि जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे बिजनेस की इनकी पर्टिकुलरली डिमांड नज़र आती है वो तो यही कुछ इंडिकेशन दे रही है कि आने वाले टाइम में ये जो कंपनीज हैं जैसे कि सुजलॉन एनर्जी और ऊर्जा ग्लोबल ये बहुत बड़ी कंपनी बन के आ सकती है आने वाले कुछ टाइम में, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग सरकार के द्वारा फैसले लिए जा रहे हैं और पूरी तरीके से जो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें डिपेंड किया जा रहा है तो डेफिनेटली ये जो दोनों काफ़ी बेहतरीन कंपनी बन के आने वाले टाइम में साबित हो सकती हैं। यहाँ पे ये जो अपडेट है आई थिंक मैंने आपको एक बारी वीडियो में बताई भी थी कि सुजलॉन एनर्जी की तरफ से जो राइट इश्यूज थे वो जारी कर दिए गए हैं और यहाँ पे अगर आप देखोगे जिसकी फेस वैल्यू ₹2 के आसपास थी उसको ₹2.45 के ओवरऑल प्रीमियम यानी कि 45 पैसे के प्रीमियम के साथ इश्यू कर दिया गया है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे कि कितने अमाउंट में यहाँ पे इश्यूएंस हुई है। तो डेफिनेटली अगर कंपनी की ओवरऑल चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ पे बात करें तो वो भी टाइमली होते हुए नज़र आ रही है। आज अगर आप देखोगे तो ₹10 की यहाँ पे आपको वैल्यू नज़र आ रही है और ये जो आपको इश्यूज दी गई थी 2.45 के आसपास के राइट इशू दिए गए हैं तो डेफिनेटली आपको एक ही शेयर के अंदर अंदर करीबन ₹8 का प्रॉफिट दिया जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जिन भी लोगों को ये राइट इशू मिले हैं अगर उनके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये जो सिनेरियो है ये जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहा है। एक बार इसके अगर हम बैलेंस शीट पे थोड़ा सा नज़र डालें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है उस पर अगर आप यहाँ पर नज़र डालो तो FIIs और DIIs जो अपनी होल्डिंग्स है वो धीरे धीरे करके इसे ही लेकिन इस पर्टिकुलर स्टॉक में इंक्रीज करते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि सबसे सही बात निकल के आती है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए कि उसमें म्यूचुअल फंड्स FIIs DIIs अपनी होल्डिंग बढ़ाएं सो डैट यहाँ से जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी फंडामेंटल एनालिसिस में इसको बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं। तो डेफिनेटली प्रमोटर्स की होल्डिंग तो शानदार है ही, साथ में FIIs और DIIs की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है और इसकी जो बैलेंस शीट है वो भी इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही है। जैसे कि जो कोविड
कोविड के टाइम पे इनमें लॉस काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा था, वो अब धीरे धीरे करके कम होते हुए नज़र आ रहा है। मैं एक बार आपको ये चीज़ जरूर बता दूँ कि फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ये कंपनी, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो अपना थोड़ा बहुत छोटा मोटा एलोकेशन आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में कर सकते हो। चार्ट पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, इससे आपको इजीली पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। ये जो चार्ट पैटर्न है मैंने तो थोड़ा सा इसको छोटा किया हुआ है, इससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक पैटर्न मिल रहा है जो कि यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये जो मूवमेंट है वो आपको जिगजैग मूवमेंट में आपको चलते हुए नज़र आ रहा है शेयर का जो प्राइस है। और अब यहाँ से जो डाउन साइड थी वो काफ़ी हद तक अब कम हो चुकी है। अब जो यहाँ पे अप टाइप के जो सिनेरियोज बन रहे हैं कि मूवमेंट जो है शेयर का वो काफ़ी हद तक ऊपर जा सकता है और एक पीक से फिर वहाँ से आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। मैं हमेशा से आपको यही बोलता हूँ कि जिन भी स्टॉक में अपर सर्किट या लोअर सर्किट का सिलसिला रहता है और आपकी अगर बाइंग काफ़ी ज़्यादा कम पे है तो एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलिए। तो मैं अभी आपको यहाँ भी यही बोलूँगा कि आप सुजलॉन एनर्जी में भी एक स्टॉप लॉस अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करके चलिए, सो डेट अगर इसमें लोअर सर्किट का सिलसिला लगता है जिसके चांसेस काफ़ी कम है तो आपको अच्छी खासी प्रॉफिट पे एग्जिट मिल जाए। तो ये कुछ सिनेरियो बन रहा था सुजलॉन एनर्जी का। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अगर आप देखोगे तो आपको 5% का अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला, 20 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग आपको फ्राइडे के दिन इस पर्टिकुलर स्टॉक ने बना के दे दिया है। इस स्टॉक के रिटर्न्स के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न्स निकल के आते हैं जो कि टाइमली ये अपने शेयर होल्डर्स को देते हुए आते जा रहा है। अब यहाँ भी एक चीज़ और निकल के आती है कि 1 जनवरी से यानी कि आज से अगर आप देखोगे तो जो इनकी इनसाइडर ट्रेडिंग है वो बंद कर दी गई है। यानी कि अगर आप देखो तो इनसाइडर ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया है आज के सिनेरियो से, और अब ये रीओपन आपको होते हुए नज़र आएगा जब भी इनकी जो बोर्ड ऑफ मीटिंग है उसमें कोई भी अनाउंसमेंट होगा तब। तो डेफिनेटली यहाँ से या तो इनके Q3 नंबर्स का अनाउंसमेंट हो सकता है या फिर कुछ ऐसे बिजनेस का सिनेरियो बन सकता है, सो डैट यहाँ से पहले से ही जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, जो कंपनी के पर्सनल पर्सन्स होते हैं, उनको अभी ट्रेडिंग करने के लिए मना कर दिया गया है। तो यहाँ से अगर कोई भी मूवमेंट आएगा तो उसका फ़ायदा ना उठा सके, इसलिए इनसाइडर ट्रेडिंग को बंद किया जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ से चांसेस निकल के आते हैं या तो Q3 की बड़ी अपडेट आपको देखने को मिल सकती है या फिर आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे कुछ ऐसे बिजनेस सिनेरियोज देखने को मिल सकते हैं जो कि काफ़ी हद तक एक फ्लक्चुएशन ला सकते हैं। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए अपनी रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके आप इन दोनों स्टॉक को जरूर कंसिडर कर सकते हो और इनमें जो रैली है उसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये सारे सिनेरियोज मैंने आपको इन पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बता दिए। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी या बुरी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो में जो भी चीज़ बुरी भी लगी हो तो वो मुझे आप बताइए, सो डैट मैं अगली वीडियोज में उसको इम्प्रूव कर सकूँ। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। धन्यवाद।